दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जीवा आयुर्वेदा की कॉस्मेटिक रेंज में बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, जैसे कि जीवा टर्मेरिक क्रीम, ऑलिव क्रीम, कैरेट क्रीम, एक आती है उनकी सेफ्रोन क्रीम। तो आज की इस वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ जीवा आयुर्वेदा की सेफ्रोन क्रीम के बारे में। वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह का यह प्रोडक्ट रहता है, क्या इंग्रेडिएंट इसको बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, क्या फायदे आपको इसका इस्तेमाल करने से होते हैं और क्या इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका रहता है। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और मैं आपको जानकारी देता हूं इस जीवा सेफ्रोन क्रीम के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरह की जीवा की यह सेफ्रोन क्रीम नजर आती है, जो कुल मिलाकर के 50 ग्राम की पैकिंग में आपको अवेलेबल होती है। अब फ्रेंड्स, यह फायदा किस तरीके से करती है इसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं इसमें मिलाए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह जो जीवा सेफ्रोन क्रीम है, इसको क्रीम बेस में तैयार किया जाता है और इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट रहते हैं वो बादाम इसके अंदर मिलाया जाता है, सेफ्रोन इसके अंदर मिलाया जाता है, उसके अलावा मुलेठी का प्रयोग किया जाता है, मुलेठी के अलावा इसके अंदर गुलाब की पत्तियों को मिलाया जाता है, साथ ही अंगूर मिलाया जाता है और कैलिक्स ऑफ जिंक का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसके ये फॉर्मुलेशन रहते हैं और इसको रिकमेंड किया जाता है ब्लेमिशनेस की प्रॉब्लम में। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई मुहासा हो जाता है तो मुहासा खत्म होने के बाद में कई बार उसका निशान रह जाता है स्किन के ऊपर, तो इस तरह के डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए, उसके अलावा झाइयों की समस्या हो, मेलाज्मा आपको हो गया है तो उसके निशान को हल्का करने के लिए भी इस जीवा सेफ्रोन क्रीम का जो है यूज किया जाता है। बेसिकली यह क्रीम जो है लगाने में बहुत स्मूथ रहती है और इसको लगाने से स्किन की जो सेल्स हैं वो रिजुविनेट होती हैं, साथ ही यह एक एंटी ब्लेमिश फॉर्मुलेशन के तौर पर कार्य करता है। चूंकि इसके अंदर बादाम मिलाया गया है, बादाम से मिलने वाला विटामिन ई बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली रहता है, सेफ्रोन इसके अंदर मिलाया जाता है जो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्किन के लिए एक प्रसादन या कहिए कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पर कार्य करता है। साथ ही यह डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए भी काम करता है और स्किन को एक निखार लाने का भी यह कार्य करता है। उसके अलावा अंगूर, मुलेठी इत्यादि स्किन को रिजुविनेट करते हैं, नई स्किन सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये फॉर्मुलेशन बनता है ये एंटी ब्लेमिश है। आप डार्क स्पॉट की कंडीशन में, मुहासे फूट जाने के बाद में, उनका निशान बन जाने की कंडीशन में, मेलाज्मा हो जाने की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एक रेगुलर वेनिशिंग क्रीम के तौर पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद में आसानी के साथ में बाहर जाया जा सकता है। स्किन को यह बहुत हल्की मात्रा में मॉइस्चर भी प्रदान करता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली यह आपकी स्किन को नहीं बनाता है। बात करें यदि इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 ग्राम्स की पैकिंग में मिलने वाली यह जीवा सेफ्रोन क्रीम आपको मिल जाती है 120 रुपये की कीमत में। आपके सिटी में यदि जीवा आयुर्वेदा का क्लिनिक है तो वहाँ से आपको यह अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का इस जीवा सेफ्रोन क्रीम का कॉम्बो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जीवा आयुर्वेदा की सेफ्रोन क्रीम के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी और लाभकारी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।